वेलकम बैक टू माय चैनल वाटिका। और काफ़ी सारा अपडेट दिखाएंगे अपने पीपल के पेड़ का और बरगद के पेड़ का, जिसको हम बॉन्साई के लिए ट्रेन कर रहे हैं, और उसका रूट सिस्टम कितना बेहतरीन बन रहा है, उसका ब्रांचेस कितना अच्छा निकल रहा है। तो शुरुआत इधर से करते हैं, ये बड़े वाला मिनीचर वाले के लिए। तो जो इस कंटेनर में लगाए हुए हैं और ये फ्रंट होने वाला है इसका, तो यहाँ से ये रूट बस हमें काटना होगा। बाकी तो अलग से ये ऊपर ट्विन ट्रंक टाइप बनेगा, ये इधर कनोपी और वो ऊपर के लिए कनोपी जाएगा। फिर इस पर आए तो ये देखिए कितना सुंदर सा रूट बनाया है वो, रेड और वाइट का। बरगद का जो रूट अच्छा रहता है, लेकिन पीपल का रूट काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर उसको प्लेन सरफेस दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छे से बनाता है। खैर, ये कितना बेहतरीन तरीके से उगा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा ब्रांचिंग लिया है, लेकिन मेन ग्रोथ इसी में आ रहा है, तो शायद इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा ताकि ये दोनों ग्रोथ भी हो। अच्छा रूट सिस्टम हमको काफ़ी पसंद आया इसका। आते हैं इस वाले पे, इसका रूट तो और बेहतरीन है। वो देखिए दिख रहा है आपको, वो रूट सिस्टम अभी न्यू ग्रोथ लिया है। उसके बाद फिर ये नीचे से जितना ब्रांचेस निकाल रहा है, पता नहीं इसको हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, बाद का बात है। खैर, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ग्रोथ ले रहा है, लेकिन ऊपर देखिए तो इसका कटिंग नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन फिर भी यहाँ मल्टीपल ब्रांचेस निकाल रहा है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। इसको अगर हम बड़ा बॉन्साई पॉट में अभी शिफ्ट कर दें तो ये एक आध साल में बॉन्साई के लिए रेडी रहेगा। अब ये बरगद का पेड़, इसको देखिए, देखिए रूट, एरियल रूट भी निकल रहा है और नीचे जड़ से भी काफ़ी अच्छा रूट निकल रहा है। शायद इसका कुछ काफ़ी पार्ट इसके अंदर मिट्टी के अंदर दब गया है, काफ़ी ट्रंक, इसलिए भी ये हो रहा होगा। खैर, ये भी सुंदर है। एक और कंटेनर में लगाया हुआ है हम। खैर, इसका हम ये सब हटा देते हैं, थोड़ा सा वीट वगैरह। खैर, ये घास सुंदर लग रहा है। और यहाँ ये दो ब्रांच अपना निकालने लगा है बरगद, इतना छोटा सा पेड़ में। फिर इसमें से ये जो ऊपर वाला सूख गया है, तो नीचे से ये निकाला, इधर ये एक ब्रांच और वो ऊपर गया, ये एक ब्रांच का ही है पार्ट है। खैर, इसको फ़िलहाल उगने देना है और बाकी का इसका बाद में देखेंगे। आते हैं इस वाले कंटेनर पे, तो इसका ये देखिए कितना सुंदर सा बना हुआ वो रूट सिस्टम। ये काफ़ी थिक रूट सिस्टम आया है, शायद इसको हम मिट्टी में थोड़ा बेंड कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। और ये देखिए नीचे से वो घूमते हुए उधर से वो एक और गया है। लीफ थोड़ा सा लीफ कर्ल वाला एक बीमारी आ गया था, ये जो इंसेक्ट मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं। खैर, ये ठीक हो जाएगा बरसात आने के बाद, या नीम के पास इसको रख देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन मेन जो इसका होता है रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम काफ़ी बेहतरीन हो रहा है। और फिर इसका देखिए, इसको एक चाय पत्ती वाले पैकेट में लगाए हुए थे, ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है तो आराम से खरीद सकते हैं। और ये देखिए, बस इसको ये कंटेनर रखने के बाद इसको ये ह्यूमिडिटी मिला, मतलब ये एक कैच बोलते हैं हम, गमले का टुकड़ा है तो उसको रखे हुए थे, वो पानी के कारण उसको पानी सोखा और ये इसके ऊपर रूट चढ़ाना शुरू कर दिया। और इधर से ये देखिए कितना सुंदर रूट सिस्टम आ रहा है, शायद इसको हम प्लास्टिक के अंदर डाल देते हैं। इसका रूट काफ़ी बेहतरीन हुआ। खैर, ग्रोथ इसका उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन रूट अभी उगा रहा है, मतलब अगले साल ये अपना ऊपर वाला ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन लेगा। अभी काफ़ी स्टेबल है और सीधा ब्रांच जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा खूबी है इस पीपल बरगद के पेड़ के लिए। और ये एक खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं आपको हम, क्योंकि कोई भी कंटेनर में कितना ज़्यादा छेद होने के कारण प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है। तो ये सब देख रहे होंगे, छोटा छोटा ये जो होल है, ये एयर पास होने के लिए हम लगाए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए हैं इसमें, जैसे दिख रहा होगा। और इसका रूट सिस्टम देखिए, ये तो टैर रूट के ये काफ़ी पहले हुआ था, अभी का रूट देखिए इसके अंदर से निकल रहा है पूरा का पूरा नीचे से। और अगर घुमाए हम इसको शायद, तो ये देखिए नीचे इसके अंदर, ये बस ऑक्सीजन सप्लाई होने के कारण ये रूट सिस्टम काफ़ी बेहतरीन बनाया है। खैर, इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, अगर मिट्टी पूरा सूख जाए तो पानी काफ़ी अच्छे से ड्रेन हो जाता है, काफ़ी जल्दी हो जाता है। और ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये पानी मिट्टी फिर ज़्यादा देर तक सूख नहीं पाएगा, कि ये मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट भी होना चाहिए मिट्टी में, तो वो बस प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसको अगर पानी में अगर डुबा कर रख दीजिएगा तो वो नॉर्मल हो जाता है, तो उतना कोई बड़ा बात नहीं है। और ये यहाँ से दो ब्रांच जा रहा था, लेकिन ग्रोथ फ़िलहाल एक ही में दिख रहा तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उग रहा है वैसे ही। और एक कटिंग को हम इस प्लास्टिक नर्सरी बैग में कनेक्ट किए थे, वो देखिए जर, और नीचे से तो ये क्या ही उग रहा है, मतलब बेहतरीन, इसीलिए इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ। मल्टीपल ब्रांचेस उगाया हुआ, शायद इसको अब ट्रेनिंग पॉट देना स्टार्ट कर सकते हैं अब हम। काफ़ी अच्छा डेंस रूट सिस्टम बनाया हुआ और ब्रांचेस भी काफ़ी डेंस हैं।
ये सही स्टेज रहेगा। यहाँ पे एक कट लगा करके एक पॉट देना इसको। तो ये एक और पेड़ है जिसको हम इसमें उगाए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी बड़ा पॉट दिए हुए हैं, और इसका अभी हम 2 साल के लिए कम से कम छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। और इसका ब्रांच देखें, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 ब्रांच 5 ब्रांच 6 ब्रांच 7 ब्रांच 8 ब्रांच 9 ब्रांच। काफ़ी अच्छा रूटिंग, मतलब कि ब्रांचिंग सिस्टम अपना लेके चला, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर इसको हमको बस उगने देना और सीधा रखना। तो एक इसको हम ये भी दे देंगे, स्टेक दे देंगे इसको ताकि सीधा हो जाए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कीजिए।